सो गाइस, पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा था बिटवाइज ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंपाउंड ऑपरेटर, कि कंपाउंड ऑपरेटर हमारे प्रोग्राम में क्या काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, ऑर्डिनो में जो कंपाउंड ऑपरेटर्स होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 8 टाइप्स के कंपाउंड ऑपरेटर्स होते हैं। तो इसमें से सबसे पहले चलिए हम लोग समझते हैं, इसमें सबसे ऊपर जो है कंपाउंड एंड और कंपाउंड और ऑपरेटर को। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, उसका टॉपिक दे देते हैं। सो गाइस, आप लोग यहाँ देख सकते हो, मैंने इस वीडियो की हेडिंग दे दी है, और इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ आप लोगों को, वो मैंने यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया है। अब चलिए हम सबसे पहले इन दो ऑपरेटर्स को समझते हैं, कि कंपाउंड बिटवाइज एंड और कंपाउंड बिटवाइज और क्या होते हैं। सो गाइस, हम लोग कंपाउंड बिटवाइज ऑपरेटर का बहुत सारे जगह में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग अपने प्रोग्राम के स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, उसको वेरिएबल डिफाइन करने के टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है, कैसे हम इसको यूज़ करें। तो गाइस, मैंने यहाँ आप लोग को समझाने के लिए एक सिंपल सा वेरिएबल पहले बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले चलिए मैं एक इंटीजर वेरिएबल बनाता हूँ, इंट। मान लीजिए मैं एक वेरिएबल बना लिया, मैंने इंट बनाया डेटा टाइप्स का। अब उसका नाम देता हूँ कुछ, मान लीजिए एज एग्जांपल इंट ए। अब मैं उसमें असाइन करता हूँ, एज एग्जांपल आप मान लो 7। इसको टर्मिनेट किया मैंने यहाँ सेमी कोलोन से। अब इसका मैं बिटवाइज एंड कैसे करना चाहूँगा, कंपाउंड बिटवाइज एंड। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं कैसे होता है। तो अगर मान लीजिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था बिटवाइज एंड कैसे होता है, अब कंपाउंड बिटवाइज एंड लगभग सेम है। इसमें हम लोग को करना होगा, मान लीजिए हमने इंटीजर वेरिएबल ए बनाया, उसमें असाइन किया 7। अब हम ए को किसी और से एंड कराना चाहते हैं बिटवाइज एंड। मान लीजिए बिटवाइज एंड इसका हो गया, अगर हम इंटीजर 7 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इसका रिज़ल्ट मिलता है 0111। अब इसको हम किसी और से नंबर से बिटवाइज एंड कराते हैं, एज एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ए से हम एंड कराते हैं 8 से। तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे मैंने ए में असाइन किया है 7, और उसको ए को बिटवाइज एंड करा रहा हूँ मैं 8 से, यानी कि मैं यहाँ पे इंटीजर 8 का, अगर हम इंटीजर 8 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आ जाएगा रिज़ल्ट हमें 1000, यानी 1000। तो अब इसे हम बिटवाइज एंड कराते हैं, तो इसका रिज़ल्ट देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो गाइज, यहाँ आप लोग देख सकते हैं 7 और 8 का बिटवाइज ऑपरेटर का मैंने रिज़ल्ट यहाँ पे शो कर दिया, यहाँ 0000 हो जाएगा। वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ आप लोग देख सकते हैं 1 और 0 का रिज़ल्ट 0 होता है, 1 और रिज़ल्ट का 0 0 होता है, 0 और 0 0 और 1 का रिज़ल्ट होता है 0। तो यहाँ सारा बिट जो है 0 हो गया। तो ये हो गया सिंपल फॉर्मेट में। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि कंपाउंड ऑपरेटर में इसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो कंपाउंड ऑपरेटर में लिखने के लिए हम इसमें ऊपर में जो हमने मेथड अपनाया था उसी को हम नीचे सेम टाइप से अपनाएंगे, थोड़ा सा चेंज करके। तो अगर हम लोग ए को कंपाउंड ऑपरेटर 8 से कराना चाहते हैं, कंपाउंड बिटवाइज एंड, तो इसमें देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ए एम्परसेंट इक्वल टू 8। हम लोग इसे सिंपल फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कंपाउंड
बिट वाइज एंड ऑपरेटर। तो ये हो गया कंपाउंड बिट वाइज एंड ऑपरेटर। सो गाइज, अब हम लोग इसको सिंपल में देखें। मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले अगर हम इंटीजर वेरिएबल ए को 8 से अगर एंड कराते हैं बिट वाइज एंड, तो ये एक लिखने का एक ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका सिंपल में, हम ये तो सिंपल वाला हो गया और एक हो गया कंपाउंड बिट वाइज एंड के टाइप में हम लिखना चाहेंगे तो इसको इस टाइप से लिखेंगे, ए एम्परसेंट इक्वल टू 8। तो ये जो ऊपर वाला ये काम कर रहा था, सेम ये वाला भी वैसा ही काम करेगा। तो ये हो गया कंपाउंड बिट वाइज एंड ऑपरेटर। अब चलिए कंपाउंड बिट वाइज और ऑपरेटर को समझते हैं। तो गाइज, उसी तरीके से हमारा ये बिट वाइज और ऑपरेटर भी सेम टाइप से काम करेगा। इसमें मैं आप लोग को यहाँ समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पिछली बिट वाइज एंड की तरह इसमें मैंने इंटीजर सेम रखा है, इंटीजर वैल्यू ए का मैंने इसमें वैल्यू असाइन किया है 7, और इसमें मैंने नॉर्मल टाइप से एक मैंने स्टेटमेंट लिखा है ए इक्वल टू ए और 8, यानी कि बिट वाइज 7 को 8 से बिट वाइज और करवाते हैं। तो इसमें आप रिज़ल्ट देख सकते हो, ऑल वंस हो गया यहाँ। अब इसको हम कंपाउंड बिट वाइज और ऑपरेटर की हेल्प से हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इसमें हमने लिखा है वेरिएबल ए को लिखा है यहाँ, उसके बाद वर्टिकल पाइप, उसके बाद फिर जो कि और का बिट वाइज और का साइन है, उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके 8 कर दिया। तो ये जैसा ऊपर वाला काम कर रहा है यहाँ, ए इक्वल टू ए और 8, सेम उसी तरीके से ये नीचे कंपाउंड बिट वाइज और ऑपरेटर काम करेगा। तो गाइस, चलिए हम लोग दूसरे एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा और अच्छे से बिट वाइज और कंपाउंड बिट वाइज और ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो यहाँ मैंने लिया है इंट बी इक्वल टू 12 लिया है, जिसका अगर हम इंटीजर वैल्यू 12 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 1100 इसका वैल्यू आएगा। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगर इंटीजर वैल्यू 13 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो 1101 आएगा इसका ये वैल्यू। 13 का वैल्यू बाइनरी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1101। अब चलिए हम लोग इसका कंपाउंड बिट वाइज और ऑपरेटर करके देखते हैं कैसे काम करता है इसमें। तो अगर हमने इंटीजर वैल्यू 12 को इंटीजर वैल्यू 13 से कंपाउंड बिट वाइज और कराएंगे तो इसका जो रिज़ल्ट हमें शो होगा, क्योंकि और हो रहा है यहाँ तो वन और वन का रिज़ल्ट हो जाएगा 1, फिर अगेन 1 और 1 का रिज़ल्ट हो जाएगा 1, 0 और 0 का रिज़ल्ट हो जाता है 0, 0 और 1 का रिज़ल्ट हो जाएगा 1। तो हमें यहाँ कुछ ये 12 और 13 का रिज़ल्ट जो हमें आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा 1101 शो हो जाएगा। सो गाइज, अभी हम लोगों ने देखा कंपाउंड बिट वाइज एंड और ऑपरेटर को, दो ऑपरेटर हम लोगों ने देख लिया है अभी। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कंपाउंड बिट वाइज अरिथमेटिक ऑपरेटर में। कंपाउंड बिट वाइज अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास 4 ऑपरेटर हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। चलिए ये चारों कैसे काम करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में, इसे हम लोग देख लेते हैं। सो गाइस, चलिए अब हम लोग समझते हैं कंपाउंड अरिथमेटिक ऑपरेटर को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक वेरिएबल बनाया है, इंटीजर वेरिएबल। मैंने वेरिएबल का नाम दिया है वैर, उसमें असाइन कर दिया है 12। अब चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेरिएबल का कंपाउंड एडिशन का रिज़ल्ट क्या आता है। कंपाउंड एडिशन का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से होता है, वैर जो हमने वेरिएबल ऊपर बनाया है सबसे पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद फिर हम एडिशन का साइन देंगे, उसके बाद फिर असाइनमेंट ऑपरेटर देकर उसमें हम जिस भी नंबर से हम उसको कंपाउंड एडिशन कराना चाहते हैं उसको हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ प्रोग्राम को टर्मिनेट करेंगे। अब चलिए इसको देखते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है। तो इसमें सिंपल है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो एडिशन क्या होता है। तो 12 प्लस 13 इक्वल टू हो जाएगा 25, तो हमारा जो रिज़ल्ट हो जाएगा 25। उसी तरीके से हम लोग यहाँ देखेंगे कंपाउंड सब्ट्रैक्शन का रिज़ल्ट क्या होगा। तो 12 माइनस हम लोग 10 करेंगे तो यहाँ हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा 2।
सेम हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन का साइन देकर उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। उसके बाद फिर हम 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा जो रिज़ल्ट हो जाएगा 120 हो जाएगा इसका रिज़ल्ट। अब इसी तरीके से हम लोग डिवीज़न करेंगे, तो 12 को 6 से डिवाइड देंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट हो जाएगा वो भी 2 हो जाएगा। तो ये था हमारा अरिथमेटिक कंपाउंड ऑपरेटर। अब जो नेक्स्ट है, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, तो सबसे पहले इसको हम लोग और डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। सो गाइस, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि मैं यहाँ स्क्रीन पे आउटपुट जो भी मैं अभी समझा रहा हूँ इस वीडियो में, पिछली वाली वीडियो में, तो उसका आउटपुट मैं शो क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि आर्डिनो जो आईडी है उसमें आउटपुट स्क्रीन के लिए कुछ हमें शो करने के लिए कुछ स्क्रीन नहीं मिलता है सिवाय एक सीरियल मॉनिटर के। तो मैं यहाँ फ़ोन से शूट कर रहा हूँ और फ़ोन से शूट करने में मैं यहाँ कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप लोग जानते हैं फ़ोन में एक ही पोर्ट होता है, चार्जिंग पोर्ट, USB 2.0 माइक्रो वाला। तो उसमें मैं अभी कीबोर्ड कनेक्ट करके रखा हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ से सीरियल मॉनिटर में शो नहीं कर सकता हूँ अपने प्रोग्राम को। तो आप लोग टेंशन ना लो, मैं आगे की प्रोग्राम में जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें मैं और अच्छे तरीके से क्लियरली समझा समझा दूंगा कि ये सब जो मैं सिखा रहा हूँ ये सब कैसे काम करते हैं। तो अभी चलिए हम लोग फोकस करते हैं अपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर। तो यहाँ मैंने समझाने के लिए एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है, उसका नाम दिया है मैंने वैर, उसमें असाइन कर दिया है 3। अब ये जो आप लोग ऊपर देख रहे हो यहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो इसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ दो बार प्लस प्लस साइन का यूज़ किया गया है। तो इसको चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये दो टाइप से लिखा जाता है, एक वेरिएबल के बाद और एक वेरिएबल के पहले। तो सबसे पहले वेरिएबल के बाद जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ होता है उसको समझते हैं। तो यहाँ मैंने ऊपर में असाइन किया है वेरिएबल वैर इक्वल टू 3 असाइन किया है। अब इसमें इसका रिज़ल्ट क्या होगा वैर प्लस प्लस का, तो इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ समझते हैं, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो रिज़ल्ट ऑफ वैर प्लस प्लस इज़ 3। ये 3 क्यों हुआ? ये 3 इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ सबसे पहले वेरिएबल का नाम, जो हमने हमने वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया था उसको लिखा है, उसके बाद प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया है। इसका मतलब ये होगा कि जो वेरिएबल का जो वैल्यू है पहले वो प्रिंट होगा हमारे स्क्रीन पे या हमारे प्रोग्राम में, पहले वो रन होगा, उसके बाद फिर ये इसका वैल्यू जो है इंक्रीमेंट करेगा। तो इसका रिज़ल्ट हो जाएगा हमारे प्रोग्राम में। तो इस वाले स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारा जो वेरिएबल का जो वैल्यू है 3 वो प्रिंट हो गया, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये जो वैर प्लस प्लस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं प्लस प्लस वैर के ऊपर। तो इस स्टेटमेंट में क्या होगा? इसमें ये होगा कि हमने ऊपर डिफाइन किया है वेरिएबल इक्वल टू 3, इसमें डिफाइन किया है। तो अब इसमें प्लस प्लस उसके बाद फिर वेरिएबल का नाम दिया हमने। तो इस लाइन में क्या होगा कि सबसे पहले हमारा जो वेरिएबल का वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि प्लस उसमें 1 जुड़ जाएगा। तो यहाँ आप लोग इसका रिज़ल्ट देख सकते हो, प्लस प्लस वैर इज़ नाउ 4। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद फिर हमारा जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गया हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग चलिए अब लोग समझते हैं कि ये तो हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम लोग चलिए समझते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम इसी तरीके से काम करता है। बस ये दोनों में डिफरेंस ये है कि ये इंक्रीमेंट करता है और वो डिक्रीमेंट करेगा। तो चलिए प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब यहाँ आप लोग देख सकते हो मैंने वेरिएबल का जो डेफिनेशन है वो सेम रखा है ऊपर में, वेरिएबल में डिफाइन किया मैंने, असाइन कर दिया 3। अब इसका सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल माइनस माइनस का रिज़ल्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा जो वैल्यू जो है वो वैल्यू जो हमारा वेरिएबल का प्रिंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ 3 हो जाएगा, उसके बाद फिर डिक्रीमेंट होगा। तो इसमें हमें प्रोग्राम में शो नहीं होगा कि हमारा जो वेरिएबल का वैल्यू जो डिक्रीमेंट हुआ है। अगर हमें वेरिएबल का वैल्यू डिक्रीमेंट होते हुए देखना है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ
माइनस माइनस वेरिएबल। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमारा जो वेरिएबल का जो वैल्यू है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारा वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ, तो गाइज इस स्टेटमेंट में क्या हुआ है कि सबसे पहले हमारे वेरिएबल का जो वैल्यू है डिक्रीमेंट हुआ है, उसके बाद फिर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो माइनस माइनस वेरिएबल का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, यानी कि एक डिक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंटेड बाई 1, यानी कि 3 से 2 हो गया, उसके बाद प्रिंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कंपाउंड ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।